हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड आज का ब्लॉग मेरे घर से स्टार्ट हो रहा है फरखावा से। सो आज मैं फरखावा से गुड़गांव के लिए निकल रही हूँ। तो अभी क्या है, फिलहाल अभी मैंने बैग ले लिया है क्योंकि अभी मैं जा सामान लेना है अपना गुड़गांव ले जाने के लिए। कुछ खाने पीने का सामान है, ग्रॉसरी का भी सामान है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो अभी मैं अपने साथ में मम्मी को ले जा रही हूँ, बाइक से चलने वाले हैं, मैं बाइक चला के ले जाऊँगी। मम्मी डोल रही थी टैक्सी से चलो, बट मैंने बोला चलो ऑटो से चलते हैं, सॉरी बाइक से चलते हैं। बाकी टाइम भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो 11 बज रहे हैं, वह सामने वाली उसमें भी देखना 11 बज रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं अपना हेलमेट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरा हेलमेट रहा, मस्त लगता है, इसका कलर भी बढ़िया है और बाइक मेरी बाहर खड़ी है। तो चलो हेलमेट को ले लेते हैं और एक बार चलते हैं बाहर की तरफ। मेरी मम्मी ना अभी ऊपर से आ रही है, हो गई है रेडी। टाइम भी काफ़ी हो गया क्योंकि 11 बजे मौसी ने मेरी फतेहगढ़ में मौसी रहती है ना एक्चुअली, उनके साथ में जाना है और फिर आके अपने सामान की पैकिंग करनी है, सारी करनी। तो सबको जल्दी टाइम से करना है, टाइम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा करने है। यही हो जाता है जब घर हो एक दो दिन के लिए, वजन मच जाती है एकदम। तो अभी मेरी मम्मी भी आ गई है रेडी होके और ये मेरा हेलमेट भी रेडी है, चलो निकलते हैं। तो अभी फिलहाल मौसी के यहाँ पहुँच गए, मौसी को यहाँ से लेते हैं और फिलहाल फतेहगढ़ मार्केट से बहुत सारा भी सामान लेना है। चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और ये रही मेरी मम्मी और ये रहा मेरे मौसी का घर। अभी आकर जैसे पहुँचे फटाफट शॉपिंग कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठेंगे वरना देर हो जाएगी। कॉलोनी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, जो लोग फतेहगढ़ फरखाबाद के उनको पता होगा, यहाँ पर घर भी काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। तो अभी मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, हम लोग फाइनली शॉपिंग डन हो चुकी है और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इसलिए घूमने बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है। एक बार मम्मी सामने का व्यू दिखा दो कैमरा ऑन करके। सो गाइस अभी ना मैं मौसी के यहाँ बैठी हुई हूँ, मैंने ना चाय पानी नाश्ता वगैरह सारा कुछ कर लिया है और अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। टाइम देखो अभी हो रहा है 2:45 हो गए हैं, 3 बज गए हैं। मैं मम्मी को बाइक से लेके जाऊँगी, सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। आज तो बैग पूरा लद गया, एक बैग मैं आगे टांगी हुई थी, मम्मी पीछे टांग हुई थी। अभी मुझे फरखाबाद तक ऐसा इतना सारा सामान लेके जाना बाइक से और मम्मी मेरे पीछे बैठे हुए, बट सही है, बढ़िया है, मज़ा आता है एकदम कि बाइक चलाना बहुत पसंद है मुझे। और अभी तक मैं फरखाबाद मैंने ब्लॉग यार इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि पता ना मेरा ना वर्क फ्रॉम होम था। अब यार पूरे दिन तो मैं घर पे ही बनी रहती थी, सिर्फ थी मेरी सुबह शाम का, मैं क्या ही ब्लॉग में आप लोगों को दिखाती। आज मैंने वीक ऑफ लिया था क्योंकि मैंने सोचा अब घर आएंगे, जितने मुझे कुछ काम थे सामान वगैरह लेना था तो मैंने सोचा सारा काम निपटा ही लेती हूँ। तो आज का था मेरा वीक ऑफ, तो सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले सारे काम पर ही लग गए, घर से थोड़ा वो सामान निकाल कर रखा ले जाने वाला, फिर इधर मम्मी को लेकर फतेहगढ़ आए, जो भी मुझे मार्केटिंग करनी थी मार्केट से सारा सामान लिया। अभी क्या करना है, घर जाके ये सारा सामान पैक करना है और फिर मुझे शायद अभी पल्ला मार्केट भी जा सकती हूँ, वहाँ से भी थोड़ा कुछ सामान लेना है। एक ही दिन है, एक ही दिन में सब कुछ करना है और शाम को 7 बजे यार मेरी बस है। अब देखो कैसे हो पाता है, जल्दी जल्दी सब काम जल्दबाजी ही नहीं होगा, फिर अब नेक्स्ट टाइम देखो यार कब आते हैं, देखते हैं जब जो भी सामान बचेगा नेक्स्ट टाइम लेंगे आके। अभी हो चुके हैं बैग पैक पूरा, ये देखो ये मेरा बैग पैक, इतना पूरा सामान फुल है और ये मम्मी पकड़े हैं। और अभी मौसी भी मेरे साथ चल रही है, मैं अपनी बाइक से चल रही हूँ और मौसी अपनी स्कूटी है, स्कूटी से चल रही है, सारा सामान भरा है। अपनी गड्डी हो चुकी है रेडी, पूरा लिखता हूँ देखो बाइक, ये आज हालत ख़राब हो गई भाई, पूरे दिन सुबह से भागते भागते। तो
अब मेरा घर से जाने का समय आ चुका था। सभी लोग मुझे विदा करने के लिए गेट पर आ गए थे। ये मेरा ट्रॉली बैग और मेरे साथ में दो बोरियां हैं और मेरा एक ये बैग। ऑलमोस्ट 6 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था, तो मुझे छोड़ने के लिए मेरे पापा, मेरा छोटा भाई एंड मेरी छोटी बहन आई हुई थी। हुवट पैलेस गेस्ट हाउस है ना, उसके आगे से मुझे मेरी बस मिली थी। सो अभी है नेक्स्ट डे, मैं गुड़गांव पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ई रिक्शा कर लिया था क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था जो कि मैं अकेले वैसे नहीं ले जा सकती थी, सो मैंने ई रिक्शा कर लिया। इसके बाद मैं अपने रूम पर पहुँच जाती हूँ।